हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेडीमेड मिक्स फालूदा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जैसे कि होली आ रही है दोस्तों, तो होली के लिए भी ये बहुत ही अच्छी स्वीट रेसिपी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मिक्स प्रीमियम मैंगो फ्लेवर का मैंने फलूदा लेकर आई हूँ और इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बताती हूँ मैं आपको। चिया सीड है, सेवैयाँ हैं और इसके अंदर होता है थोड़ा कस्टर्ड। अगर बनाना नहीं आता या फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि फलूदा मिक्स को 1 लीटर दूध के अंदर डालना होता है, दूध के अंदर, दूध बॉयल होने पर। ओके दोस्तों, चलो मैंने पैकेट फाड़ लिया है अब। तो अब इसके अंदर मैं सारा दिखा रही हूँ आपको निकाल कर। ये देखिए, इसमें चिया सीड्स भी हैं और सेवैयाँ भी हैं और ये मैंगो फ्लेवर है दोस्तों। तो अब हम दूध ले लेंगे। दूध मैंने ये 1 लीटर लिया है, इस पर गैस पे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो दूध बॉयल भी हो गया है हमारा, ये देखिए। अब इसके अंदर हम ये मिक्स प्रीमियम डाल देंगे फालूदा का सारा एक साथ डाल देंगे और इसको साथ के साथ चलाते भी रहना है ताकि ये तले में चिपके ना, क्योंकि स्टार्टिंग में चिपकने का डर रहता है। हमें इसे सेवैयाँ पकने तक, सॉफ्ट ना हो जाए सेवैयाँ तब तक हम इसे पकाना है दोस्तों। तो उसको चलाते रहेंगे लगातार। इसे सेवैयों को पकने में हमें करीब करीब 10 मिनट तो लग जाएगा। तो ये देखिए, बॉयल भी आने लग गया है इसमें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोगों को दोस्तों। अभी कल लगभग पक गया है तो इसके अंदर हमें चीनी ऐड कर दी। चीनी मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, स्वाद अनुसार कह सकते हैं आप लोग। और अभी भी मैं इसको चला रही हूँ ताकि चीनी भी अच्छे तरीके से मिल जाए इसमें फालूदे में। और सेवैयाँ देखिए ऊपर उठकर आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेवैयाँ पक चुकी हैं, दिखाई दे रही हैं आप लोगों को भी, देखिए। तो इसका मतलब ये होता है कि सेवैयाँ अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब चीनी डालने के बाद करीब करीब 2 से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे सिर्फ। तो ये देखिए, अच्छे से बॉयल हो रहा है, बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है और इसको लगातार हम चलाते जा रहे हैं ताकि कोई गुठला वगैरह कुछ ना रह जाए। तो अब ये रेडी है दोस्तों हमारी फालूदा। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया थोड़ा सा। अब इसको एक बाउल में डाल लेंगे हम। बाउल में डालने के बाद इसको पहले तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। ये बहुत ही ईजी से और आसान सा तरीका है दोस्तों स्वीट खाने का। और किसी भी ओकेशन, त्यौहार या फिर कोई किसी भी पार्टी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। और फिर 1-2 घंटे के बाद हम इसको फ्रीज से निकाल लेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको फ्रीज से निकाल लिया, काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये हमारा फालूदा, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। तो चलिए अब सर्व करते हैं हम फालूदा। मैंगो फालूदा सर्व करने के लिए मैंने 2 ग्लासेस ले लिए हैं और इसके अंदर हम फालूदा डाल देंगे ग्लास में। ठंडा ठंडा खाने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। और ये देखिए, मैंने 2 ग्लासेस में डाल लिया है और इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे टूटी फ्रूटी से। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने आइसक्रीम का यूज़ नहीं किया है। खाना आप लोगों ने कितना आसान है इस मिक्स प्रीमियम फालूदा से ये फालूदा रेसिपी बनाना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनी है, ये यकीन मानिए मेरा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।